कुछ आतंकवादी इस इलाकों में जंगलों में छुपे हुए हैं और जब उनको मौका लगता है तो वो ऐसा अटैक करते हैं फायरिंग के बाद एक ग्रेनेड फेंका गया जिससे कि वो ट्रक में आग लगी गई का जो है पहले तो मैं रोड के बारे में आपको बता दूं ये रोड जम्मू से लेकर पुंछ तक जाता है और रास्ते में अखनूर नौशेरा रजौरी बिम्बर गली कृष्ण से होते हुए पुंछ चला जाता है और पुंछ आखिरी टाउन है जहाँ तक ये पहुँच जाता है इस पूरे रोड के ऊपर एक स्ट्रेटिक रोड है ये और इस पर आर्मी का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है सिक्योरिटी फ़ोर्स का बी एस एफ हो राष्ट्रीय राइफ़ल्स हो आर्मी यूनिट से काफ़ी सारे डिप्लॉयड हैं वहाँ पर और इस रोड का जो है एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता है इस रोड के दायने में जब आप जम्मू से पुंछ जाते हैं और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है उस इलाके में जो रोड का धाइने वाला बाग है वो आमतौर पर उसमें वो एक खाई जैसी है और क्योंकि साथ में उसमें नौशरा नाला बहता है और लेफ्ट साइड में पहाड़ी इलाका है जंगल का इलाका है कहीं कहीं थोड़ा सा प्लेन है लेकिन 90 परसेंट जो है पहाड़ी इलाका है और ठीक फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आतंकवादी आकर वहाँ पर छुप सकता है और छुप के एम्बुश करके वो ये कार्रवाई ऐसी कार्रवाई कर सकता है लेकिन आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है लेकिन कानवाई के ऊपर हमला नहीं हुआ क्योंकि कानवाई तक पहुंचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में जंगलों में छुपे हुए हैं और जब उनको मौका लगता है तो वो ऐसा अटैक करते हैं इस बार भी ऐसा ही हुआ है लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ी चूक तो हुई है उसमें क्योंकि कोई भी कौनवाई पहले तो अकेले गाड़ी जाएगी नहीं तो ये कौनवाई की व्हीकल थी मतलब इसमें और भी गाड़ियाँ थी फौजी गाड़ियां मूव कर रही थी और दूसरी बात यह है कि किसी भी सड़क को खासकर इस सड़क को जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी हुई है बिल्कुल साथ में है वो तो उस में हमेशा आरोपी लगता है मतलब रोड ओपनिंग पार्टीज़ लगती हैं और फ्री मूवमेंट होती है जब रोड ओपनिंग पार्टीज़ सिक्योर करती हैं इलाके को और रिपोर्ट बैक करती हैं कि एरिया सिक्योर है अब गाड़ियाँ चल सकती हैं तभी गाड़ियाँ चलती हैं तो इसमें ज़रूर मैं तो ये कह सकता हूँ कि शायद रोड ओपनिंग पार्टीज़ का कुछ न कुछ हद तक थोड़ा सा उनका उनकी चूक चूक हुई है इनको छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि इन्होंने रहना वही है और इंटेलिजेंस सिस्टम हमारे जो सोर्सेज हैं वो एक दो दिन में इनके बारे में पता करेंगे और बता देंगे और इनका खात्मा ज़रूर हो जाएगा लेकिन ये दुखद घटना है और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी घटना है ये पाँच हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए हैं ये अटैक जिस हिसाब से सूत्रों के हिसाब से पता लगा है कि टेरिस की फायरिंग के बाद एक ग्रेनेड फेंका गया जिससे कि वो ट्रक में आग लग गई और हमारे जो उसमें जवान थे वो पांचों के पांचों शहीद हो गए चार ऑन स्पॉट हो गए थे और एक हॉस्पिटल में जाके उसने दम तोड़ा ऑपरेशन जारी है ये जो इलाका है रजौरी पुंछ का ये पाकिस्तान बार बार इधर से अब इन्फिल्ट्रेशन और बाकी जो है इधर से अपने ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको कर रहा है तैयार कि भाई वो वहाँ से शुरू करें जो कश्मीर घाटी के अंदर टेरिज्म मिलिटेंसी जो ख़त्म हो गई है उसके उसके यहाँ पे रजौरी पुंछ के इलाके में वहाँ उसको पूरा बढ़ाने के लिए कर रही है और आपको पता है पिछले दिनों भी एक वो गांव के अंदर ढांगरी गांव के अंदर वो टेररिस्ट ने जाके अटैक किया था और उसको वो उन्होंने जो अन हमारे अन आर्म सिविलियंस थे उनको मारा उसकी भी सर्च ऑपरेशन चल रही है वो भी अभी मिलिटेंस नहीं पकड़े गए तो लगता है कि ये जो जंगल का इलाका है सारा रजौरी पूंछ का इसी में कहीं ना कहीं ये हैं लोग और इनके लिए सर्च ऑपरेशन अब चल रहा है और जल्द ही ये आएंगे काबू में